नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ फिगरल एनालॉजी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मुझे कुछ फिगर्स दी होती हैं और फिगर को देख करके मुझे आगे आंसर बताना होता है, तो इसे नॉन वर्बल रीजनिंग भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली जैसे इसको फर्स्ट फिगर को मान लीजिए ए, फिर रेशो, सेकंड फिगर को मान लीजिए बी, देन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के बाद थर्ड फिगर को मान लीजिए सी, और फिर नेक्स्ट हमें डी बताना होता है, डी की जगह दिया होता है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं जी, इस क्वेश्चन में ए से बी को देखते हैं कि ए से बी कैसे आया, ए से बी कैसे बना, या ए से बी में क्या चेंजेस हुए, और यहां पर मुझे जो भी लॉजिक पता लगेगा मैं वो लॉजिक सी से आगे डी में लगाऊंगा और मैं आपको फिगर बना करके दिखाऊंगा, और फिर उस फिगर को हम अपने क्वेश्चन पेपर में जो भी मुझे चार ऑप्शंस होती हैं उसमें से मैं टिक कर सकता हूं, पर मैं भी आपको बना करके दिखाऊंगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले क्वेश्चन में मुझे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज का निशान दिया हुआ है, देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट ए से बी में, अब यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, यहां मुझे एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है। तो देखिए ए से बी में देखना है, यहां पर क्या था, इसमें देखिए एक दो तीन, तीन भुजाएं थी और अगले में कितनी आ गई, चार, तो मतलब एक भुजा बढ़ रही है, तीन से चार भुजाओं वाली आकृति बन गई। अब अगले में यही लॉजिक हम क्या करेंगे, सी से डी में लगाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक आकृति मुझे चार भुजाओं वाली दी हुई है, अब इससे जब सेम यही लॉजिक आगे चलेगा तो एक भुजा और बढ़ जाएगी, तो यानी कि अब जो मेरा आंसर है वो पांच भुजाओं वाली एक आकृति बनेगी। ठीक है जी, तो यानी कि अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक पांच भुजाओं वाली आकृति बनने वाली है। तो देखिए मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, दिस, तो देखिए तीन से चार भुजाएं, एक भुजा बढ़ गई, तो ऐसे ही अब चार से क्या हो जाएगा जी, चार से हो जाएगा पांच भुजाओं वाली एक आकृति। ठीक है जी, ये क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं जी पेंटागन, पंचभुज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है जी वो ये आएगा, और मैं चार ऑप्शन में से अपने आंसर को टिक कर दूंगा। फिर आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में एक आकृति दी हुई है, और फिर देखिए अब ए से बी में क्या हो रहा है, उसने एक हाफ लाइन खींची, इसको आधा किया ऊपर, और फिर उसमें हाफ लाइन खींच के इधर ये वाली लाइन और उधर वो वाली लाइन। अब यही लॉजिक मेरा क्या होगा जी, यहां से इधर लगेगा। अब देखिए मैं आपको बना करके दिखाता हूं सेम ऐसे ही बिल्कुल, कि कैसे मेरा आंसर आने वाला है। तो यही फिगर को मैं यहां बना रहा हूं जी, देखिए ध्यान से, मैंने ये फिगर यहां बना दी। अब देखिए यहां से यहां पर क्या हो रहा था, एक हाफ हो रहा था बीच में, तो इस फिगर को मैं हाफ कर लेता हूं, एक लाइन मैंने खींच दी, ये फिगर यहां पर हाफ हो गई। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखिए अब यहां पर ये हाफ हुआ, तो यहां पर मैंने इसको हाफ कर दिया ऐसे। अब इधर वाले पोर्शन में ऐसे में लाइन्स है जी, ठीक है जी, देखिए दिस ये हो गई, और इधर वाले पोर्शन में ऐसे में लाइन्स है जी, दिस। तो अब इससे ये बना, तो वैसे ही इससे बनेगा जी, ये चार ऑप्शन में से मैं अपना आंसर टिक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, बाहर एक वृत्त दिया हुआ है जी, एक सर्कल दिया हुआ है, और उसके अंदर एक क्या है जी, ट्रायंगल, एक त्रिभुज का निशान है। और अब ए से बी में देखिए क्या हो रहा है, मतलब जो चीज अंदर थी वो बाहर हो गई और बड़ी हो गई, और बाहर वाली उसके अंदर आ गई। ठीक है जी, तो अब यही चीज मैं यहां लगाऊंगा। अब देखिए सेम लॉजिक, यहां देखिए ये जो चीज अंदर थी वो बाहर हो गई, बड़ी हो जाती है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है जी, एक वर्ग है छोटा अंदर, तो वो बाहर आकर के एक बड़ा वर्ग बन जाएगा जी, दिस ऐसे। फिर देखिए अब जो बाहर था वो अंदर आ गया छोटा होकर के, तो बाहर क्या था जी, इसमें एक पेंटागन, एक पंचभुज था बड़ा, तो वो अंदर जाकर के छोटा हो जाएगा, दिस। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये आएगा जी मेरा, और मैं चार ऑप्शन में से अपना आंसर टिक कर दूंगा। फिर आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, ये मेरे को छोटे छोटे चार निशान दिए हुए हैं, और देखिए अब ये से ऐसे हो रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब इसमें देखिए जैसे एक समझते हैं, इसमें इसका मुंह ऊपर को था, अब इसमें देखिए इससे क्या हो गया, ये ऐसे हो गया जी, देखिए। तो इसको बोलेंगे हम जैसे घड़ी चलती है आपकी क्लॉक, ठीक है जी, तो कितना 90 डिग्री घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेशन हुआ है, देखिए ये फिगर मेरी ऐसे हो गई, दिस, और इसका मुंह था ऐसे, और फिर ऐसे जो ये वाली थी उधर हो जाएगी ऐसे, मतलब ये जो फिगर है वो पूरी 90 डिग्री रोटेट हो गई घड़ी की दिशा में। तो अब यही लॉजिक यहां लगेगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा जी इधर को, ठीक है जी, तो मेरा क्या आंसर आएगा, अभी फिगर से मेरी ऐसे रोटेट होगी तो मुझे कैसे नजर आएगी, देखिए ध्यान से, जब 90 डिग्री रोटेट होगी तो मुझे ऐसी नजर आएगी, दिस, और ये जो बीच में है वो भी मेरे को ऐसे नजर आएगा जी, इस टाइप में, ठीक है जी। तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रोटेट होने का ये फिगर मुझे ऐसे नजर आएगी, मैं चार ऑप्शन में से अपना आंसर टिक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आते हैं जी अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखिए इसमें ये आकृति दी हुई है और उससे ये बन रहा है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको राइट पोर्शन दायां भाग बोलूं और इसको लेफ्ट पोर्शन बायां भाग बोलूं, ठीक है जी, अब देखिए ये दायां भाग को मैंने यहां ऐसे रखा और ये बायां भाग इधर जाके इसमें जुड़ गया, मतलब ये वाला भाग इधर आकर के जुड़ गया और ये गोला कंप्लीट हो गया, तो ऐसी अब यही चीज यहां बनेगी, ठीक है जी, अब देखिए कैसे,
तो सेम यही चीज देखिए, ये राइट वाला पोर्शन है दाया भाग है जी, और ये लेफ्ट वाला पोर्शन है बाया भाग है। तो देखिए क्या था, दाया भाग वैसे का वैसे ही रहा पहले, तो ये यहां पर ऐसे ही है दिस, और ये वाला भाग इधर जाकर इसे जुड़ गया, तो फिर क्या हो जाएगा जी, ये ऐसी मेरी आकृति बन जाएगी। तो मैं चार ऑप्शन में से टिक कर दूंगा, तो पांचवें क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर आया जी दिस। फिर आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर सिक्स है। देखिए अब इसमें मेरे को ये एक सर्कल दिया हुआ था, एक वृत्त दिया हुआ था, और यहाँ पे एक वृत्त में देखिए उसने क्या किया, इसने इसको आठ बराबर भागों में बांट दिया है। तो फिर अब इसमें देखिए अगले में मुझे क्या दिया हुआ है, अगले में मुझे एक स्क्वायर दिया हुआ है जी, ठीक है जी। तो अब ऐसे ही क्या होगा, इसमें भी हम इसको आठ बराबर भागों में बांट देंगे। तो पहले मैं यहां पर एक स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है जी, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया है। अब देखिए एक लाइन खींची तो ये दो भागों में बट गया, ठीक है जी। फिर दूसरी लाइन खींची ये चार भागों में बट गया, उसके बाद मैंने ये तीसरी लाइन खींची है जी तो ये छह भागों में बट गया है, और ये मैंने जैसे ही चौथी लाइन खींची तो ये मेरा आठ भागों में बट गया है। तो इस आकृति का ए से बी में ये हुआ, तो वही हमने सी से डी में कर दिया। तो मैं चार ऑप्शन में से अपना आंसर टिक कर दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा फिगर एनालॉजी, मतलब नॉन वर्बल में क्या होता है, सिर्फ आकृतियां दी होती हैं, तो जब भी ऐसी रेशन प्रोपोर्शन दिया होगा तो आप ए से बी कर को ए से बी को देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है, और फिर वही लॉजिक सी से डी में लगाएंगे, और जो भी मेरे आंसर आएंगे वो मैं चार ऑप्शन में से अपना आंसर टिक कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।